माता पिता की सेवा। शोभा की शादी हुए अभी एक साल हुआ था। वो अभी ससुराल के तौर तरीके रीत रिवाज समझ ही रही थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर देवर देवरानी पति सब थे। किसी कारणवश शोभा के पति राजेश की शादी बाद में हुई। उसके पहले देवर की शादी हो गई थी। एक दिन परिवार के सब लोग एक साथ बैठे हुए थे, तब देवरानी अंजू कहती है, मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। अब तक मैंने छोटी बहू होकर भी घर की जिम्मेदारी उठा ली। अब जिठानी जी घर संभालेगी, मैं और महेश अलग रहेंगे। अरे सच तो यह है कि तुम ना तो परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहती हो, ना सेवा करना चाहती हो, ना ही अपने पति की कमाई परिवार पर खर्च होने देना चाहती हो, है ना? कोई बात नहीं, अलग रहो तुम दोनों। बहू के घर छोड़ जाने के कारण सास परेशान रहने लगी और एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सास की मौत के बाद शोभा अकेली पड़ गई। एक साल में उसकी सास ने उसे बहुत कुछ सीखा समझा दिया था। बाद में ससुर जी ने भी उसका पूरा साथ दिया। शोभा, तुम आज के जमाने की लड़की होने के बावजूद एक सुलझी और संस्कारी लड़की हो। घर परिवार के साथ साथ तुम मेरी भी पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हो। खुशकिस्मत है हम कि देर से ही सही मेरे रमेश की जिंदगी में तुम आई। समय के साथ साथ रामकिशन जी भी नॉर्मल हो ही रहे थे कि एक दिन उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ गया। शोभा ने रमेश और महेश को फोन किया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई। शाम के समय महेश आया और डॉक्टर से बात करके पापा को देख कर चला गया। अपने भैया भाभी से उसने कोई बात नहीं की। उसे डर था कि कहीं इलाज के लिए पैसों की बात ना करने लगे। 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद रामकिशन जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। शोभा ने चैन की सांस ली। इतने दिनों से घर और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते लगाते वो परेशान हो गई थी और अंजू एक बार भी देखने तक नहीं आई। यहाँ तक कि उसने तो फोन लगाकर तबीयत पूछना भी जरूरी नहीं समझा। शोभा, अभी पापा पूर्णतः स्वस्थ नहीं हुए हैं, हमें घर पर भी उनकी सेवा करनी होगी। आप फिक्र मत करिए, मैं पापा का अच्छी तरह ध्यान रखूंगी। एक दिन शोभा रामकिशन जी को खाना खिला रही थी, तब रामकिशन जी ने पूछा, अंजू क्यों नहीं आई? रमेश तो कभी कभार फिर भी फोन से हालचाल पूछ लेता है। रामकिशन जी के सवाल पर शोभा ने कुछ उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपना काम करने लगी। वैसे भी वो उनके सवाल का क्या जवाब देती। शोभा और रमेश की सेवा रंग लाई। धीरे धीरे रामकिशन जी की तबीयत में सुधार होने लगा। अब रामकिशन जी स्वस्थ हो चले थे, अब बस सिर्फ कुछ दवाइयां ही चालू थी। कुछ दिनों के बाद रामकिशन जी की तबीयत जब पूरी तरह ठीक हो गई तो एक दिन महेश ने रामकिशन जी को फोन किया। पापा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं और अंजू चाहकर भी आपको अपने पास नहीं रख पा रहे हैं। अभी मेरे पास रुपयों की तंगी चल रही है, मेरा कारोबार भी घाटे में चल रहा है, खर्च भी बहुत मुश्किल से निकल रहा है। अगर आप माँ के कुछ जेवर मुझे दे देते तो मैं अपना कर्ज चुका दूँ। अब जैसे ही मेरा कारोबार ठीक चलेगा मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगा, हैं? अरे बेटा, मैं तो यहीं पर खुश हूँ, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। पैसों की बात तो गहनों पर रमेश का भी तो हक है ना, सिर्फ तुम्हारे गहने देकर मैं उससे विश्वासघात नहीं करूंगा। जब शाम को रमेश घर आया तब रामकिशन जी ने महेश द्वारा कही बात उसे बताई। महेश के मन में पैसों का लालच है, उसकी नजर तुम्हारी माँ की गहनों पर है। जीते जी कभी माँ को पूछा नहीं, अब गहने लेने आ गया। मगर मैंने सोच लिया है, अब मैं उन गहनों को तुम लोगों को दे देता हूँ। तुम इतनी मेहनत करके घर चलाते हो और तो और तुमने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे इलाज में लगा दी। तुम दोनों की सेवा का ही फल है जो आज मैं अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा रह पाता हूँ। मैं अब तुम लोगों को और परेशान नहीं देख सकता। अरे कब तक तुम पर बोझ बनूंगा? पापा जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ बाप कब से अपने बच्चों पर बोझ बनने लगे? ये घर आपका है, हम आपके साथ रहते हैं, ना कि आप हमारे साथ। हमें रुपये गहने कुछ नहीं चाहिए, बस सर पर आपका हाथ चाहिए। भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पैसों की चिंता बिल्कुल ना करें, हमें ये गहने भी नहीं चाहिए, आप इन्हें अपने पास ही रखिए।
रामकिशन जी बच्चों से बात कर ही रहे थे कि उनकी कली का फोन आया कि उनकी कंपनी ने पुराने कर्मचारियों को 10 लाख का फंड देने का फैसला किया है। ये समाचार सुन रामकिशन जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बच्चों को ये खुशखबरी सुनाई। अरे रमेश बेटा, अब ये फंड का पैसा तो तुम लोगे ना? अरे यह तो कंपनी ने मुझे दिए है। नहीं पिताजी, अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आपका पैसा है, इसे आप अपने लिए बचा कर रखिए। अभी का काम तो हो गया है और मेरे रहते आपको किसी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर न जाने कहां से ये बात महेश और अंजू को पता चल गई, तो वो आनंद फानंद में वहां पहुंच गए और रामकिशन जी से जबरन अपने घर ले जाने की जिद करने लगे। पापा जी, आप आज से हमारे साथ रहेंगे, यहाँ आपका कोई ठीक से ध्यान नहीं रखता। मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। किंतु रामकिशन जी उसकी चालाकी समझ चुके थे कि अंजू यहाँ पर उन पैसों और गहनों के लिए आई है। उन्होंने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे क्या तुम दोनों की चालाकी समझ में नहीं आ रही है? मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम जेवर और रुपये मांगोगे और मैं चुपचाप दे दूंगा। मैं मर जाऊंगा पर ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। पिछले 6 महीने में मैं बिस्तर से हिल भी नहीं पाया था, तो रमेश ने मेरी सेवा की और मुझे इतना ठीक कर दिया कि आज मैं अपना सब काम कर सकता हूँ। यदि मेरी पत्नी होती तो वह भी इतनी सेवा नहीं कर पाती जितना कल की आई इस बच्ची ने मेरी सेवा की है। भाभी की शादी से पहले भी तो मैंने आप लोगों की सेवा की थी, वो भूल गया? अरे कौन सी सेवा? अपनी सास को टाइफाइड में छोड़कर इस डर से 1 महीने के लिए मायके चली गई थी कि उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तब भी इस रमेश ने उसकी सेवा की थी। तुम तो जब तक साथ रही तब तक अपनी पार्टी, घूमने फिरना और उसमें मस्त रहती थी। कभी घर को अपना घर समझा है तुमने? अरे तुम इस घर में रही तो अपने पति के साथ रही, हमारे साथ कब रही हो तुम? यदि कभी तुमने हमारी सेवा की होती तो मैं मुआवजा मानकर तुम्हें कुछ दे भी देता। अब किस मुंह से मांग रही हो तुम? अंजू अपने ससुर जी के आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि उसने कभी सास ससुर को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था, पर अपनी जेठानी की ओर गुस्से में देखने लगी। आपने न जाने क्या जादू कर रखा है मम्मी पापा पर। जब तक मम्मी रही आपके गुणगान गाती रही, और अब पापा वो तो आपके नाम की माला जपते रहते हैं। सेवा का दिखावा करके आप सब पैसा और जेवर हड़पने के चक्कर में हो ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ, जो जैसा होता है उसे सब अपने जैसे ही नजर आते हैं। पैसों का लालच तो तुमको होगा, मैंने पैसों के लालच में कभी सेवा नहीं की। बड़ों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हमारी कमाई में ही हमें बरकत मिलेगी। महेश और अंजू अपना समूह लेकर वहां से चले गए। महेश, मैंने इसलिए कभी इन लोगों की सेवा नहीं की, इनके पास से कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी मुझे। ये हमें कुछ नहीं देने वाले। हाँ, पहले जब कुछ नहीं था तब इतना घमंड है, अब तो पैसे आ गए हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं की तुम्हारे पापा ने। उनके जाने के थोड़ी देर बाद रमेश मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया। उसने पापा और शोभा को आवाज लगाई। पापा, शोभा कहाँ हो तुम? अब सब जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सबके लिए एक खुशखबरी है, माँ पापा के आशीर्वाद से मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। अब पैसों को लेकर हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, इस खुशी में हम तीनों मंदिर चलेंगे और रात का खाना बाहर ही खाकर आएंगे। चलो चलो। रमेश की बात सुनकर शोभा और रामकिशन दोनों बहुत खुश हो गए। रामकिशन जी ने बेटे को आशीर्वाद दिया। यह सिर्फ तेरे माता पिता के आशीर्वाद का फल नहीं है, यह तेरी मेहनत और लगन के साथ साथ बहू के त्याग और समर्पण का परिणाम है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। दोस्तों, कुछ लोग अपने माता पिता और बड़ों की सेवा पैसों के लालच में करते हैं। जिन माता पिता के पास पैसा नहीं होता उनके बेटे बहुएं अक्सर ये सोचकर सेवा नहीं करते कि ये हमें क्या देंगे। वो भूल जाते हैं जो आज हम अपने बड़ों के साथ कर रहे हैं, हो सकता है कल वो हमारे साथ भी हो। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि घर के बड़े वो वट वृक्ष की तरह हैं
जिनकी छत्र छाया में हमारा जीवन फलता फूलता है। अपने बड़ों को प्रेम और मान सम्मान दीजिए।